विदिशा जिले के ग्यारसपुर की कालापाटा से पौधारोपण कर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती लीना संजय जैन ने अपने दौरे की शुरुआत की, जिसमें हिम्मतपुर के आदिवासियों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद हैदरगढ़ बेल्ट के ग्रामों में पहुंचकर किसानों के बीच उनकी फसल जो नष्ट हो गई है उन फसलों का खेतों में पहुँच कर लिया जायजा और किसानों को आश्वासन दिया गया, जितना भी किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है उन्हें 100% मुआवजा हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिलाया जाएगा। उनके साथ ग्यारसपुर मंडल अध्यक्ष राजेश यादव, महामंत्री रमेश कुशवाहा और पूर्व मंडल अध्यक्ष सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। दीदी, जिस प्रकार से आपने यहाँ पौधारोपण करके काला पार्टी पर शुभारंभ कर रही हैं, अपने क्षेत्र के लिए किसानों को मिलने जा रही हैं, तो उनके बीच जब आप पहुँचेंगी तो उनको किस प्रकार से ढंड से बनाएंगे, क्योंकि फसलें लगातार किसानों की चौपट हो चुकी हैं, तो क्या आप उनको आश्वासन देंगे आपकी पार्टी की तरफ से, बताएं। मैंने आज जो ये कार्यक्रम बनाया है ये मेरे किसान भाइयों अकेले के लिए नहीं है, मैं सभी कार्यकर्ता भाई गांव-गांव जाके मिल रही हूँ, क्योंकि हमारी सरकार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, शिवराज सिंह जी चौहान जी की इच्छा है कि हम लोग क्षेत्र में जाएं और लोगों से मिलें। रहा सवाल जो आप कह रहे हैं कि फसलों में नुकसान हुआ, तो मैं पहले भी कह चुकी थी और आज आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, जब मैं पहले आई थी उस टाइम ही मैंने पटवारी तहसीलदार साहब से बोल दिया था और हमारे आदरणीय भाई साहब के निर्देश अनुसार शिवराज सिंह जी चौहान जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कहा है कि जो भी फसल का नुकसान हुआ होगा वो पूरा मुआवजा किसान भाइयों को मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 100% नुकसान का सर्वे हुआ है। तो लगभग कितने बीघा एकड़ के हिसाब से यहाँ पर मुआवजा दिया जाएगा शासन की तरफ, ये जो भी निर्णय होएगा वो आप लोग की जानकारी में आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।